नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम बच्चों को गर्मी में किस प्रकार से उनको राहत दे सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स को फॉलो करके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाएं, हमेशा इंश्योर करें कि वो कपड़े जो हों वो कॉटन के हों, किसी अदर फैब्रिक के ना हों। क्योंकि अदर फैब्रिक के कपड़े आप लेंगे वो पहनाएंगे अपने बच्चों को, तो उससे क्या होता है, बच्चों की जो स्किन पे रैसेज आने की एक संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, वो कपड़े आपके बच्चों को चुभते भी हैं। जबकि कॉटन के कपड़े क्या होते हैं, आपके बच्चों को आराम भी पहुँचाते हैं और ठंडक भी पहुँचाते हैं। इसी के साथ साथ सेकंड टिप मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कपड़े आप अपने बच्चों को पहनाएं वो हमेशा ध्यान रखें कि थोड़े ढीले ढाले होने चाहिए। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा चुस्त हों और बहुत ज़्यादा टाइट हों, जिसमें बच्चे कंफर्टेबल फील ना कर पाए। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बच्चों को कपड़े पहनाएं, वह कपड़े जो होने चाहिए थोड़े ढीले ढाले पहने होने चाहिए। थर्ड टिप मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप अपने बच्चे को डायपर पहनाती हैं छोटे बच्चों को, तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि वो डायपर जो है 2 से 3 घंटे में चेंज करते रहिए। और अगला नेक्स्ट डायपर पहनाने से पहले आप हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि थोड़ी देर बच्चे को बिना डायपर के 5 से 10 मिनट ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद जब भी आप डायपर पहनाने वाले हों तो उसको थोड़ा पाउडर वगैरह लगा के तब नेक्स्ट डायपर, उसको दूसरा डायपर पहनाइए। इससे क्या होगा, आपके बच्चे को जो डायपर की वजह से रैसेज, स्किन रैसेज हो जाती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो नहीं होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको अगली टिप बताना चाहूँगी कि आप बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए। हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि 1 से 2 घंटे के बीच में बच्चे को पानी आप देते रहिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे खेलने में इतना मस्त रहते हैं कि वो कभी भी पानी पे ध्यान नहीं देते। पानी क्या, वो खाने पे भी ध्यान नहीं देते, पानी तो बहुत दूर की बात है। तो हमेशा ये बात का ध्यान रखिए कि आप अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर में पानी देते रहिए, जिससे उनकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहेगी। और जब भी आप अपने बच्चों को बाहर कहीं लेके जाएं तो हमेशा इस बात का भी ध्यान रखें कि अपने बच्चों को आप कोई भी सनस्क्रीन ज़रूर लगाइए, जिससे कि जो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उससे आपके बच्चे की स्किन की सेविंग हो सके, आपके बच्चे की स्किन सेव हो सके, उस पर रैसेस वगैरह ना आए। अगली टिप, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं, आप नॉर्मली उनकी रोज़ डेली पर डे मालिश करते हैं, ऑयलिंग करते हैं उनके शरीर को, तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आप अपने बच्चे की मालिश करते हैं तो उस बच्चे को आप रोज़ डेली बेसिस पर नहलाइए। क्योंकि अगर आप एक दिन भी नहीं नहलाएंगे तो जो ऑयल होगा ना, उसके वजह से क्या होता है, बच्चे के स्किन पे रैसेज आ जाते हैं, घमौरियाँ हो सकती हैं, दाने निकल सकते हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। और अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आपको उसको मालिश नहीं करनी है, तो आप नॉर्मली भी अपने बच्चे को वैसे 2 टाइम्स नहला सकते हैं, लेकिन आप 1 टाइम भी उसको नहला सकते हैं, इससे आपके बच्चे को गर्मी का एहसास कम होगा। और ये भी ध्यान रखिए, हमेशा अपने बच्चों को आप अगर हो सके तो दिन में 2 बार उनके कपड़े बदलने की कोशिश करें, जिससे कि आपके बच्चे को जो ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छ रहे, साफ़ रहे और गर्मी में उसको राहत मिले। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर इस वीडियो को से रिलेटेड आपके लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें अभी कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।